2024। अगर दोस्तों आपने भी डीएलएड के लिए परीक्षा दिया था, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022-24 की प्रवेश परीक्षा आपने दी है, तो आपके लिए खुशखबरी है, लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है आंसर कीज के लिए। तो आप बिल्कुल rozgarbihar.com पे आके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिंक, डायरेक्ट लिंक यहाँ पे डाल दिया गया है, यहाँ से आप आसानी से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके का लिंक खुलता है जिसमें आपको अपना रोल नंबर डालना है और यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पासवर्ड के रूप में डलाएगा। पासवर्ड आप इस तरीके से डालेंगे कि अगर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें डैश वगैरह नहीं डालना है, सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के अनुसार आपको डाल देना है, ठीक है। लेकिन उसमें डैश नहीं डालना है, स्पेस नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, सीधे नंबर आपको लिख देना है, तभी आपका ये लॉगिन होगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ पे फिल करते हैं, आपका जो रोल नंबर है वो आपके एडमिट कार्ड में होगा, तो कॉपी करके ले लेंगे या फिर आप लिख करके यहाँ पे भी डाल सकते हैं, कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डाल दिया है, अब लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, हाँ ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम आपसे ले सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा और ये ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इंस्ट्रक्शन को आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ पे प्रोसीड बटन जो दिखाई दे रही है इस पर आपको क्लिक कर लेनी है। इसमें भी आपको 5 से 10 मिनट का समय ले सकता है। वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो है क्योंकि ये बिहार बोर्ड का है, तो बिहार बोर्ड की कोई गारंटी नहीं है। डेट कल का था, लिंक आज एक्टिवेट किया गया है, देख ही सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड कर लीजिएगा और वेट करना है। जैसा ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको नीचे सारा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा और ये इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया गया है रिस्पांस और इधर करेक्ट ऑप्शन। जो आपने आंसर दिया है वो रिस्पांस शीट में आपको दिखाई देगी इस रो में, ठीक है, और जो सही उत्तर होगा वो आपको इधर दिखाई देगा। तो देख सकते हैं पहला मैं एक क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि दोनों आँखों के अंधे व्यक्ति को देखकर अमित ने कहा, देखो दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति आ रहा है। इस कथन में अभिधा शब्द शक्ति, व्यंजन शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति कोई भी नहीं, तो ये आपको चूज करना था। और उसके नीचे देखिए एक क्वेश्चन और है, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है, तो शब्द शक्ति वही सब पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है आपका इधर दिखाई देगा और सही वाला आंसर इधर, और जो आपने आंसर दिया है वो इधर वाला दिखाई देगा। तो रो, दो रो दिखाई दी गई है, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में आंसर जो दिया गया है वो गलती है, तो आप क्वेश्चन वाले सामने में देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन दी गई है, सभी क्वेश्चन के सामने एक बटन दी गई है। तो जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि गलती है, तो उसके सामने वाले इस बटन पर क्लिक करेंगे और आप अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या डालना है कि सेलेक्ट क्वेश्चन टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, प्रश्न गलत है या प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत हैं या प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही हैं, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ पे रीजन आपको बताना है कि क्या गलती है और कैसे गलती है। करने के बाद आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जो कि 1 MB से कम का आपको अपलोड करना है, PDF या JPG फाइल में, यानी कि जो है NCERT का बुक आप दिखा सकते हैं, पेज को फोटो खींच के भेज सकते हैं यहाँ पे, तब आप NCERT का ही बुक चलेगा। उसके अलावा कोई भी बुक डालेंगे तो आपका ऑब्जेक्शन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देंगे और डालने के बाद रेफरेंस नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन जो आप दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आप अपलोड करेंगे वही आपको सेलेक्ट करना है कि बुक दे रहे हैं या न्यूज़पेपर का कटिंग दे रहे हैं या मैगजीन का दे रहे हैं या ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट लिंक दे रहे हैं, जो भी आपको देना है वो दे सकते हैं। देने के बाद यहाँ पे बुक टाइटल का नाम दे देना है, ऑथर किसके द्वारा लिखा गया है पुस्तक वो दे देंगे, एडिशन कब का है वो दे देंगे और रेफरेंस या पेज नंबर यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद सेव करेंगे तो वो आपका जो है ऑब्जेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, सिर्फ आपको सैंपल के रूप में मैंने बताया है। तो इस प्रकार से आप अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। करने के बाद ऑब्जेक्शन पूरा टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यानी स्क्रॉल करके नीचे तक आप देख सकते हैं। देखने के बाद सारा कुछ देख लेने के बाद क्या करना है, अंतिम में आपको लॉग आउट यहाँ पर क्लिक करके लॉग आउट कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्शन करना है और वेबसाइट थोड़ी स्लो है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आपको देखना होगा। तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी के रूप में रोल नंबर, यहाँ पे पासवर्ड के रूप में आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, लॉगिन करके आप अपना देख सकते हैं। तो ये थी बिहार डीएलएड से जुड़ी हुई आंसर कीज का लिंक, डायरेक्ट लिंक यहाँ पर rozgarbihar.com पर उपलब्ध है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।